नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं फातिमा जहरा। आज हम बनाना सीखेंगे शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल हैं: ऑयल 1/2 कप, बीफ 1/2 किलो, चने की दाल 1 पाव, प्याज 1 अदद बड़े साइज की बारीक कटी हुई, हरा धनिया 1 गड्डी बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई, पुदीना 1 गड्डी बारीक कटा हुआ, अंडा 1 अदद, साबुत लाल मिर्च 4 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, पानी 4 कप, दालचीनी 2 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, साबुत काली मिर्च 6 से 8 अदद, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच। तरकीब: सबसे पहले एक पतीली में आप 4 कप पानी, चने की दाल और गोश्त डालें। इसके बाद आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और साबुत लाल मिर्च डालकर इसे उबलने के लिए रख दें। जब इसमें उबाल आ जाए तो इसे धीमी आंच पर 40 से 45 मिनट तक पकने दें। जब इसका पानी खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने रख दें। फिर इसमें तमाम मसाले डालकर इसे पीस लें। फिर इसमें प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अंडा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसकी टिकिया बना लें। फिर एक फ्राई पैन में तेल गरम करें। इसके बाद इसमें कबाब को दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लें। मज़ेदार शामी कबाब तैयार हैं। इसे चटनी या केचप के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।